वेलकम व्यूअर्स। और आरती इंडस्ट्रीज जो केमिकल सेक्टर में काम धाम करती है उसके रिजल्ट आ गए हैं, बोनस भी मिलने वाला है दोस्तों, डिविडेंड भी मिलेगा, रिजल्ट भी ठीक ठाक आए हैं। सो ये सब चीज़ें इस वीडियो, बड़ा छोटा वीडियो बना रहा हूँ, पूरा देखिए और उसके बाद अगर थोड़ा सा भी मन में प्रसन्नता हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। फटाफट आगे बढ़ते हैं, कहानी कम दोस्तों, पॉइंट पे आते हैं सीधे। रिजल्ट आ गए हैं, सबसे मेन पॉइंट दिखाता हूँ आपको। इन्होंने यहाँ पर साफ साफ बताया है कि जो बोनस शेयर ये देने वाले हैं उसका रेशियो 1:1 होगा। मीन जिसके पास एक शेयर है उसको एक शेयर और मिलने वाला है। सो मीन्स आपका बैठे बैठे शेयर डबल हो गए दोस्तों, ये कह सकते हो आप। तो एक ये अपडेट है, बाकी एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा, अभी मैं समरी बता रहा हूँ आपको ओनली, ठीक है। सो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी अपडेट है, अगर जिसने भी लिया होगा तो पैसे डबल हो गए यार, अगर शेयर सीधे डबल हो गए तो ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट दोस्तों, इन्होंने 3 रुपये पर इक्विटी शेयर डिविडेंड देने की बात भी कही है। आपके सामने है, आप देखते रहिए, 3 रुपये पर इक्विटी शेयर की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं प्री बोनस, मीन्स बोनस से पहले जो आपके पास है उसके ऊपर 3 रुपये आपको मिलेंगे, या यूँ कह सकते हो एक्स बोनस, मतलब जब वो बोनस के शेयर आपको पास क्रेडिट हो जाएंगे तब आपके शेयर हो जाएंगे डबल, तो तब भी 3 रुपये थोड़ी देगी दोस्तों कंपनी यार, कंपनी तो 3 रुपये जो आपके पास हैं उसके ऊपर दे रही ना, तो फिर आपको 1.5 रुपये के हिसाब से मिलेगा, समझे पॉइंट। मीन्स जो अभी आपके पास शेयर हैं जितने के भी हैं उसके ऊपर 3 रुपये प्रति शेयर आपको डिविडेंड मिलने वाला है, होप क्लियर हो गया होगा। सो ये दोनों पॉइंट हैं और इसकी रिकॉर्ड डेट वगैरह के लिए इन्होंने बोला हम सूचित करेंगे। सो वो नोटिफिकेशन मैं ढूंढ रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। रिजल्ट देख लेते हैं फटाफट, और ये सारी डिटेल है दोस्तों, जो पहले से इक्विटी है वो डबल हो जाएगी, आप सब देख सकते हो यहाँ पर, और जो इनका फ्री रिजर्व है उसके थ्रू ये पेमेंट वगैरह करने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत बढ़िया अपडेट है सारे शेयर होल्डर के लिए। वही बात करें रिजल्ट दोस्तों, दिसंबर के मुकाबले आप कह सकते हो थोड़ा सा हल्के आए हैं, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ठीक ठाक रिजल्ट आए हैं। सो ज़्यादा बात डिटेल नहीं जाऊंगा मैं, सिंपल प्रॉफिट देख लेते हैं, सारे फिगर लाख्स में हैं। यहाँ पर देखिए आप सीधा आ रहा है जो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर पीरियड आ रहा है दोस्तों, 13,384 है मार्च का, दिसंबर में था 16,181, तो दिसंबर के मुकाबले थोड़ा सा हल्के हैं। और वहीं ईयरली बात करें 52,336 था, उसके हिसाब से भी थोड़ा सा कम है, 51,350 ये अमाउंट यहाँ पर मेंशन है, आप ये लाइन देख सकते हो जो मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। सो रिजल्ट थोड़े से हल्के हैं तो उसकी वजह से अर्निंग पर शेयर रेशो में भी थोड़ा सा दबाव दिख रहा है, बट उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है दोस्तों कि मीन्स रिजल्ट बहुत निगेटिव आ गए यार, पहले 100 रुपये कमाए थे इस बार 80 रुपये कमाए हैं, आप ये कंसेप्ट समझोगे तो समझ में आ जाएगा, समझ गए पॉइंट। मीन्स कमाए तो हैं लेकिन पिछले बार से ज़्यादा नहीं कमाए, ये आप कह सकते हो इन रिजल्ट के हिसाब से, ठीक है। सो कंसोलिडेट देखने हैं, मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, आपको तो शेयर होल्डर हो इतना काफ़ी है कि कंपनी बिजनेस कर रही है और प्रॉफिट जनरेट कर रही है, ठीक है। और बात रही आप थोड़ा सा ये डिटेल वगैरह का स्क्रीनशॉट ले लेना, और कोई फर्दर क्वेश्चन होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर लूँगा। और एक बार मैं तो एक चीज़ और बता दूँ, ये फ़ंड रेजिंग की बात भी कर रहे हैं दोस्तों, सो ये फ़ंड रेज भी करने वाले हैं, उसका भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट दूंगा। तो मेरे हिसाब से 3 पॉजिटिव पॉइंट हैं, एक बोनस, 3 पॉजिटिव पॉइंट हैं, एक है बोनस शेयर, दूसरा डिविडेंड, तीसरा फंड रेजिंग, तो इसकी वजह से प्राइस एक्शन में तेज़ी देखने को मिल सकती है। बाकी ये फर्दर अपडेट नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।